मुरादाबाद के महाविद्यालयों में पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए भी काम किया जा रहा है। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित टिमेट कॉलेज में मूड कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इस प्रतियोगिता में पूरे भारत के कई प्रदेशों से विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। सभी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। आयोजन समिति के सदस्य का ये कहना है कि हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। आज दिनांक 26/4/2019 को तीर्थांकर महावीर विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में प्रथम दो दिवसीय राष्ट्रीय मूड कोर्ट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल व फाइनल राउंड खेले गए। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न राज्यों राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व दिल्ली की 14 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश, राजीव गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पटियाला, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली, ICPAL विश्वविद्यालय देहरादून, उत्तराखंड विश्वविद्यालय देहरादून, आर्मी लॉ स्कूल मोहाली, सुबोध लॉ कॉलेज जयपुर, लॉयड स्कूल नोएडा आदि नामचीन शिक्षण संस्थान रहे। निर्णायक मंडल में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिनव तोमर, दिल्ली HC की अधिवक्ता निवोदिता जैन, गलगोटिया विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर वाणी शर्मा व KK शुक्ला व रुहेलखंड विश्वविद्यालय संबद्ध लॉ कॉलेज से अनुरिता चक्रवर्ती ने निभाई। प्रतियोगिता का फाइनल आर्मी लॉ कॉलेज तथा सुबोध लॉ कॉलेज के बीच हुआ, जिसमें आर्मी लॉ कॉलेज मोहाली की टीम विजयी रही। इस फाइनल राउंड में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विजय लक्ष्मी, बार काउंसिल के शैक्षणिक समिति के सदस्य प्रोफेसर KK मित्तल, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट वॉन रिकॉर्ड डॉक्टर अभिषेक आत्रे, जिला मुरादाबाद एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप झा व टिमेट लॉ कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर विपिन जैन ने निभाई। प्रतियोगिता के समापन के उद्बोधन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विजय लक्ष्मी ने कहा कि विधि व्यवसाय आज एक नए रूप में विकसित होता जा रहा है और भूमंडलीकरण के दौर में हमें कुशल अधिवक्ता बनाने के लिए उसके प्रक्रियात्मक पहलू पर ध्यान देना अति आवश्यक है। डॉक्टर अभिषेक आत्रे ने कहा कि शासन व्यवस्था में अधिवक्ताओं की भूमिका निर्णायक स्तर की होती है और आजकल विधिक संस्थान मूड कोर्ट जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित कराकर सफल अधिवक्ता विकसित करने पर अधिक जोर दे रहे हैं। प्रोफेसर KK मित्तल ने कहा कि पश्चिमी यूपी अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में उतना विकसित नहीं हुआ है जितना अन्य क्षेत्र। उन्होंने ये कहा कि अभी भी बहुत से संस्थान मूड कोर्ट के सही मतलब न जानकर मात्र औपचारिकता निभाते हैं। लॉ कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर जैन ने देश भर से आए सभी विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा निर्णायक मंडल के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। ये दो दिवसीय प्रतियोगिता विभागाध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम झा व अमित वर्मा के निदेशन में अक्षय भार्गव तथा प्रिया चौधरी द्वारा सम्पन्न हुई। आज कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज़ का मूड कोर्ट का सेकंड डे था, जिसमें आर्मी लॉ कॉलेज मोहाली पंजाब की टीम विजेता रही, जिसको 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत ही शानदार प्रतियोगिता रही, जिसमें बहुत सारी टीमों ने पार्टिसिपेट किया और ये हमारे जो विद्यार्थियों को इससे फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि प्रैक्टिकल नॉलेज उन्होंने देखी। इसमें बहुत सारे जज आए, आज हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज विजय लक्ष्मी जी आई हैं, जिन्होंने बच्चों को बहुत विस्तारपूर्वक समझाया कि किस तरीके से अपना लॉ के फील्ड में करियर बनाना चाहिए। और मैं आने वाले परीक्षा परिणाम में 12वीं के सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उनका रिजल्ट आने वाला है, और उनके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि लॉ एक बहुत ही बेहतर करियर है, जिसके तहत वो अपना करियर बना सकते हैं 5 वर्षीय कोर्स कर। इसमें 5 वर्ष का कोर्स कराया जाता है, जो 12th के बाद विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें BBA LLB, BA LLB और BCom LLB के कोर्सेज कराए जाते हैं, जो कि टिमेट की बिल्डिंग में कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज़ के अंतर्गत कराया जाता है। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसको करने के पश्चात आप जज की परीक्षा दे सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं और बहुत आगे अच्छे वकील भी बन सकते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि आप अगर इस लॉ को अगर बेहतर विकल्प मानते हैं अपने करियर का, तो एक बार लॉ कॉलेज में आकर, टिमेट प्रांगण के लॉ कॉलेज में आकर विस्तारपूर्वक इसकी जानकारी हमारे एडमिशन सेल से लें।